जैसे ना बाइक थोड़ा बाउंस ब्रेक ज्यादा करता है, अच्छा वो अच्छा इतना हम क्लियर है। ओके अब हर किसी का वही क्वेश्चन होगा कि हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट प्रूफ। मैं जितेंद्र। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं ना वो है ओनर रिव्यू। दोस्तों वैसे तो कई बार मैं रिव्यू करता हूं, इनमें अपने खुद डिटेल लेता हूं, बट मैं एक्चुअली चाहता था कि एक्चुअल में जो बाइक के ओनर है ना वो आपको एक्सप्लेन करें कि एक्चुअल में उनका एक्सपीरियंस कितना है। दोस्तों ये ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर चला रखी है। ये जो बाइक है वो है एस्ट्रल ब्लू, एंड इसके जो ओनर हैं वो है कृणाल भाई, जो कि अभी सामने ही कैमरा के पीछे ही है। उनसे हम बात कराएंगे, उनको रूबरू करवाएंगे, उनसे जो है इसके बारे में मैक्सिमम डिटेल जो है लेने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बायर्स हैं वो एक्चुअल में जान सकें कि उनको क्या इसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स लगे, कैसा उनका एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट इन्हें 600 किलोमीटर के आसपास चला रखा है, एंड 600 किलोमीटर एक बाइक को जानने के लिए आई थिंक ओके रहता है। एंड इसके ऊपर जितना भी होगा वो एक्सपीरियंस अलग अलग तो होते रहता है, बट 600 किलोमीटर मेरे हिसाब से इनफ है एक बाइक को जानने के लिए। तो बुलाते हैं जो इस बाइक के ओनर हैं और उनसे हम बात करते हैं। दोस्तों ये है कृणाल भाई, जिनकी ये बाइक है एस्ट्रल ब्लू, एंड वेलकम। थैंक यू। ठीक है, एंड कृणाल भाई मेरे कुछ क्वेश्चन थे और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके भी कुछ क्वेश्चन थे, जो कि हम इस वीडियो में आपसे एक लेना चाहेंगे। आपने ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर प्लस इसको चला रखा है, आपने कोई राइड भी की है इसके साथ? हाँ, मैंने 100 किलोमीटर के लॉन्ग राइड भी की हुई है यहाँ से। तो दोस्तों अब इनसे जो है कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड ये अभी कैमरे के सामने रहेंगे, मैं कैमरे के पीछे चल जाऊंगा ताकि आप मुझे ना देखें, इनको ही देखें, एंड यही जो है आपसे बात करेंगे डायरेक्टली। तो कुरुणा भाई मैं कैमरे पीछे जा रहा हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। कुरुणा भाई मेरा एक सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है ना, कि आपको अभी तक ये बाइक कैसी लगी? अभी तक है ओवरऑल बाइक मैंने 680 किलोमीटर चला रखी है। ओके क्या राइड करने में काफी स्मूथ है, ओके सिटी यूज के लिए, हाईवे यूज के लिए मतलब सही बैठता है। हाँ पर और इसके प्लस पॉइंट में कि इसके देखो मतलब कोई भी आप क्वालिटी ले लो हाँ, किसी भी चीज की, राइट एंडफील्ड में ऐसी क्वालिटी आपको अभी तक किसी भी बाइक में आपको प्रोवाइड नहीं की गई। और ये मैंने भी नोटिस किया है, ये आफ्टर मीटियोर जितनी भी बाइक्स बनी है ना, चाहे वो क्लासिक हो, मीटियोर हो, हंटर हो, सबकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ एड ऑन ही किया है। राइट ऊपर से इसमें क्या मतलब अभी ट्यूबलेस टायर आ गया, राइट ठीक है। अभी ऐसा जो इंटरसेप्टर जीटी आ रही थी उसमें तो आ नहीं रहे, आ नहीं रहे थे पहले, तो अभी आ चुके हैं। इसका भी एक प्लस पॉइंट है, प्लस इसका इंजन रिफाइनमेंट रहा ना, हाँ वो इंटरसेप्टर जीटी से थोड़ा बेटर है, बेटर है, सही तो बात। ऊपर से इसका ट्यून इस तरीके से किया गया है ना कि सिटी यूज में अपन मान के चले ना, थर्ड या फोर्थ गियर में 30-40 की स्पीड से आराम से अपन मतलब मनोवर कर सकते हैं, हाँ, कहीं पर चला सकते हैं, सही बात, दिक्कत नहीं आती। एक तो यूएसडी फॉक्स दे रखे हैं, हाँ जो उस हिसाब से क्या मतलब वो जो अपना स्टेबिलिटी बोलते हैं ना चला, हाँ, हाँ, हाई स्पीड पे, राइट राइट, अनकम्फर्टेबल ऐसा फील नहीं होता, राइट ओके, उस हिसाब से भी सही रहता है वो चीज। और पीछे का टायर जैसे आपने देखा कि 150 का है, ठीक है, ब्रॉड टायर, ब्रॉड टायर है, तो क्या मतलब स्टेबिलिटी पूरी हाईवे पर बनी रहती है, तो 41 हाँ क्या बाइक पूरी रोड पे चिपक के चलती है, सही बात है। क्या चलाने में ना मतलब दिन भर भी अगर चलाना चाहो ना इसको, हाँ 80-90 की स्पीड पे आप आराम से क्रूज कर सकते हो बिना एफर्टलेस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वो चीज सही लगी इसके लिए। तो कृणाल भाई ये तो आपने पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट बताया, जो कि आई थिंक बहुत सारे यूजर जानते हैं। अब रियल एक्सपीरियंस की बात करें तो क्या चैलेंजेस फेस करने आए, जब क्या प्रॉब्लम आपको इसमें फेस हुई? फर्स्ट प्रॉब्लम जो फ्यूल मीटर है ना, हाँ वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, ओके, वो हाँ, किसी में नहीं, मेरे इंटरसेप्टर है उसमें भी नहीं है, हाँ तो इसके साथ एक वो इश्यू आपको रहेगा थोड़ा, ओके फ्यूल का वो सही से दिखाएगा नहीं, ठीक हाँ, है। दूसरा अपन सिटी राइड करते हैं ना, हाँ, मान के चलिए 20-30 सेकंड या थर्ड गियर में चलाना पड़ता है, राइट राइट, मेरे घर से मेरी शॉप 4 किलोमीटर समथिंग रहती है, राइट राइट, तो आने जाने में थोड़ा क्या 4 किलोमीटर जब बाइक चलती है ना तो हीटिंग का लेग में हीटिंग का इश्यू आने लगता है, ओके ओके, सिटी में। और इसमें आगे का सस्पेंशन तो ठीक दिया हुआ है, पर पीछे का मेरा जो सेटअप है ना वो सॉफ्टर साइड पर है, अच्छा फिर भी क्या छोटा खड्डा रहता है या थोड़ा स्पीड ब्रेकर टाइप रहता है ना, ऑफ रोड ये सब होता होगा, तो पीछे से ना बाइक थोड़ा बाउंस ब्रेक ज्यादा करता है, अच्छा अच्छा, मतलब राइडर को पता नहीं चलता पीछे कोई भी पिलियन बैठा रहेगा ना, हाँ, तो उसको ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ेगा उस चीज, अच्छा अच्छा। और इसका मेन तो क्या है, ग्राउंड क्लियर है, ओके अब हर किसी का वही क्वेश्चन होगा कि क्या है क्या नहीं, अगर बाइक नीचे से ना कहीं से टकरा के भी कहीं पर मतलब ऐसा हुआ नहीं है, हाँ, क्या हल्का सा दिमाग में वो रहता ही रहता है, फियर बना रहता है, बना रहता है कि 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है तो कुछ ना कभी ना कहीं टच हो जाएगी, हाँ वो आराम से रहता है, इतना सही वो दिखाने में भी नहीं पता, सही बात सही बात।
तो कृणाल भाई, आपने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही बताए। अब मेरे से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, जैसे कि आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अंदर करा रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, मैंने इसमें ना फेस गार्ड लगवाया, जो कंपनी का आता था ना उसकी क्वालिटी मुझे प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं लगी। ओके ओके। तो मैंने इसमें ना हाँ वो फेस गार्ड लगाया स्टेनलेस स्टील का। ओके। वो मुझे पड़ा था 6500 का। ओके ओके। ठीक है। फिर मैंने मिरर लगाया, बार एंड मिरर। ओके। जीटी टाइप के मिरर। जीटी टाइप के मिरर जो कंपनी से तो महंगे आते हैं, पर मैंने लगवाए 1800 के। ओके। ठीक है। और इसमें जो पीछे सीट आती है ना, वो पिलियन के लिए तो बिल्कुल कम्फर्टेबल नहीं है। ओके। हाँ, तो वो सीट पूरा मैंने वो कम्प्लीटली चेंज करवाया। ओके। ये मुझे पड़ा था 6500 का। इसकी स्टिचिंग और ये सब ऐसा लग रहा है जैसे कि सेम ही। हाँ, मतलब वो मतलब वही टाइप ही आपको फील देगा। ओके। उसी तरीके का है। ओके। फिर मैंने इसमें फुट पैक चेंज किया, क्योंकि मैंने कंपनी से वो जब नोटिस किया था ना, तो वो 3000 समथिंग के आ रहे थे दो पीस। हाँ, दो पीस। ओके। हाँ, और ये मैंने चारों के चारों लगवाया 3000 में। अच्छा, तो आपने और भी कुछ मॉडिफिकेशन कराया। और इसमें एक मैंने एग्जॉस्ट चेंज करवाया है। अच्छा। हाँ, वो केपी रेसिंग का मैंने एग्जॉस्ट डाला हुआ है। ओके। वो भी मुझे 25000 का पड़ा है। कैसा है इसका परफॉर्मेंस, कैसा लगा, साउंड कैसा लगा? एक नंबर है। हाँ। और ऊपर से इसमें जो वारंटीज वगैरह आ रही है ना। हाँ। क्योंकि मैंने वो क्या है, दूसरी काफी ब्रांड आ रही है। हाँ। तो उसके साथ मैंने बात करके जाना था, पर वो लोग वारंटी मतलब इसमें जो आ रही है ना एडवान, वो लोग किसी कंपनी में नहीं आ रहा, तो यही चीज मैंने डाली। और साउंड भी क्या थोड़ा हार्ली टाइप रहता है इसका। ओके। और कोई मॉडिफिकेशन आपने नहीं कराया, बाकी सब रॉ है? बाकी सब हाँ रॉ है, स्टॉक टाइप है। तो दोस्तों, आपने सुना पूरा यूजर रिव्यू एंड उनमें पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, एक्सपीरियंस, क्या मॉडिफिकेशन कराया है, क्या यूज है, वो सब मॉडिफिकेशन का सब कुछ जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड मैं भी कई हद तक उन बातों से एग्री करता हूँ। एंड दोस्तों, बाइक बहुत ही अच्छी है, बट एक चीज़ याद रखना कि आपने नीड एंड वॉन्ट्स के हिसाब से ही बाय करिए। एंड ऑब्वियसली ऐसे यूज़र जो रिव्यूज़ होते हैं ना, वो जब आप बाय कर रहे हो तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके लिए एक्चुअल में क्या जरूरी है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको आइडिया हो जाए। हालांकि बाइक बहुत ही अच्छी बनाई है, बहुत ही प्रीमियम बाइक जो है लुक लग रही है, ओवरऑल लुक अगर बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी लग रही है, बट अगेन जिसकी यूज़ की है उसकी यूज़ की है, सही बात है, सबके यूज़ में ये बाइक नहीं आने वाली। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आपको फिर भी कोई डाउट एंड क्वारी है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जरूर वहाँ पर रिप्लाई करूंगा। एंड यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट को, ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। बाय।